हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और आप प्लेलिस्ट में जरूर जाएंगे। देखिए, यूक्लिड्स ज्योमेट्री का थ्योरम यहाँ से शुरू होता है। आप थ्योरम को बहुत भली भांति समझेंगे, अन्यथा आप इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। आप जब तक इसका बेसिक फंडामेंटल्स को नहीं समझते हैं, इसका जो मीनिंग है उसको नहीं समझते हैं, आपको एक भी चीज आगे आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए एक एक करके आप समझते जाए, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको पूरी तरह ये समझ में आएगा। तो देखिए, थ्योरम वन ये क्या कहता है, ये है कि प्रूव दैट टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। यहां पर यह बोला जा रहा है कि आपको प्रूव करना है कि दो अलग अलग लाइन, दो से ज्यादा की बात नहीं कर रहा, ओनली टू, दो अलग अलग यदि लाइन्स हैं, वो दोनों के बीच में एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होगा। मतलब एक से कम हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं होगा। इसमें आप कैसे करेंगे सो आप देख लेंगे। यहां जैसे आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे गिवन, आपको गिवन में क्या दिया हुआ, दो लाइंस है, आप मान लेंगे एल और एम, तो यहां पे लिखेंगे टू, गिवन में आप लिखेंगे टू लाइंस, है ना, टू लाइंस आपके दिए हुए हैं एल एंड एम। और टू प्रूफ मतलब आपको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको करना यह है कि इनके बीच में मतलब एल एंड एम, है ना, एल एंड एम कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट, है ना, मोर देन वन कॉमन पॉइंट, ये आपको करना है। तो प्रूफ के लिए आप कैसे करेंगे, आप देखते जाएंगे, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। यहां दो कंडीशन आपके हो सकते हैं। पहला कंडीशन यह है कि दोनों लाइन आपका पैरेलल हो जाएंगे, दूसरा कंडीशन यह है कि दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगे। तो आप देख रहे हैं, यदि दोनों पैरेलल होंगे तो क्या होगा, वो कभी भी नहीं कटेंगे, इसका मतलब इसके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब जीरो कॉमन पॉइंट होगा। तो यह सही है कि एक से ज्यादा तो जीरो नहीं होता है, इसलिए एक यहां पर सही है। तो आप लिखेंगे इफ, फर्स्ट कंडीशन हो गया, है ना, इफ एल पैरेलल एम दे हैव नो कॉमन पॉइंट, है ना, ये आपका हो गया एक चीज है। ये यहां पर तो एक आप देख रहे हैं नो कॉमन पॉइंट, इसके बीच में कॉमन पॉइंट नहीं हुआ। दूसरा आपका क्या हुआ, इफ दे आर, दोनों यदि पैरेलल नहीं है तो हम ये मानकर चलेंगे कि दोनों के बीच में क्या है, एक से ज्यादा आपका क्या होगा, एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट होगा, एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट होगा, वो आपको मानकर चलना है। आप यहां पे दिखा नहीं सकते उसको, आप मानकर चलेंगे कि एक से ज्यादा आपको कॉमन पॉइंट है, मतलब इसमें भी दो पॉइंट है, इसमें भी दो पॉइंट है, और दोनों सेम होना चाहिए। तो आप यहां लिखेंगे क्या, इफ, ठीक है ना, इफ दे आर, है ना, नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल, लेट देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स, है ना, आप लिखेंगे देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स पी एंड क्यू। आप मान लेंगे दो कॉमन पॉइंट्स पी और क्यू है, इसका मतलब क्या होता है, ये लाइन भी पी क्यू से पास कर रहा है और ये भी पी क्यू से पास कर रहा है। दिस इंप्लाइज आप लिखेंगे, है ना, लाइन एल, है ना, लाइन एल कंटेंट्स आप लिख सकते हैं, कंटेंट्स पी एंड क्यू बोथ, एंड ऑल्सो आप लिखेंगे एंड लाइन, कौन सा बच गया आपका, लाइन ये सॉरी एल कंटेंट्स हो गया, तो एम में भी होगा, कॉमन पॉइंट है, तो एम कंटेंट्स आप लिखेंगे, देयरफॉर एम कंटेंट्स पी एंड क्यू बोथ, क्योंकि दोनों में हम मानकर चल रहे हैं, हमने मान लिया कि दो पॉइंट से गुजर रहे हैं, उस स्थिति में क्या होगा, ये एल में भी पी क्यू है और एम में भी पी क्यू है। लेकिन आपको इसके पहले हमने चैप्टर में बताया है, आप देख चुके हैं कि कोई दो पॉइंट्स हो करके सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकता है। इसका मतलब P और Q से, ये यदि P है और ये यदि Q है, तो ये यदि लाइन गुजर रहा है तो दूसरा भी लाइन यही होगा। इसका मतलब L और ये M एक ही लाइन होगा, तब ये हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, यहाँ पे दोनों अलग अलग लाइन है, इसका मतलब हम लोग जो ये सोच रहे हैं P और Q अलग अलग दो पॉइंट है, ये नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया आपको, बट आप यहां लिखेंगे बट ओनली वन, है ना, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, है ना, दो पॉइंट से होकर सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकता है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन यदि एक ही हो जाए तब वो हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने जो ये अजम्पशन था, हमारा ये जो मानना था कि दो अलग अलग से पास करता, वो गलत था। इसका मतलब वो संभव नहीं है। दैट लिख
यहां पर लिखेंगे दिस कंट्राडिक्स, है ना, दिस कंट्राडिक्स, कंट्राडिक्स मतलब विरोधाभासी, विरोध कर रहा है, कंट्राडिक्स आवर एजम्पशन, है ना, आवर एजम्पशन, हमारा एजम्पशन क्या है, हमारा एजम्पशन है कि दो पॉइंट है, वो एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है, देयर फोर आप लिखेंगे यहां पर क्या, देयर फोर आप लिख सकते हैं एल एंड एन कैन नॉट बी टू डिस्टिंक्ट लाइन्स, यहां पर आप जान रहे हैं दो अलग अलग नहीं हो सकते, दैट मीन्स यहां पर इससे आपको पता चलता है दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू एम होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आपका डिस्टिंक्ट है, इसका कंट्राडिक्स आवर एजम्पशन, देयर फोर आप लिख सकते हैं यहां पे टू, देयर फोर लिखेंगे टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन प्रूफ। आपको देखिए यहां पे लॉजिकली आपको बात को रखना है बस, इसमें और कोई बात नहीं, इसमें आप लॉजिकली बात को यदि रख रहे हैं बस वही आपका प्रूफ है। थैंक यू वेरी मच, यदि आपको समझ में आया काइंडली जरूर आप कमेंट करेंगे।